नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जाएंगे दुर्गा देवी मंदिर, जो कि कोटद्वार से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आगे बढ़ने से पहले आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। सभी भाइयों को जय माता दी। आज हम दुर्गा देवी मंदिर, माँ शक्तिपीठ दुर्गा देवी, कोटद्वार से सड़क मार्ग से होते हुए 11 किलोमीटर की दूरी पे और कोटद्वार से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सिद्ध बाबा का मंदिर। सिद्ध बाबा के मंदिर की वीडियो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं,
वहाँ पे कैसा है क्या है, और आज उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़े हैं। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि दुर्गा देवी मंदिर जो कि कोटद्वार से 11 किलोमीटर की दूरी पे है और मुख्य सड़क मार्ग पे लगा हुआ है, समुद्र तल से करीब 500 मीटर की ऊंचाई पे, बहुत ही सुरम्य और सुंदर पहाड़ियों के बीच में माँ दुर्गा देवी का मंदिर है। जब भी आपको आना हो, कोटद्वार से यातायात के बहुत अच्छे साधन हैं, हर समय आपको गाड़ी, टैक्सी और अगर आपका अपना वाहन है तो आप आ सकते हैं। सुरम्य पहाड़ियों के बीच में बसा माँ दुर्गा देवी का मंदिर बहुत सुंदर, और यहाँ के बारे में बहुत जो है कि प्रसिद्ध घटनाएं हैं जो कि बताएंगे हमारे पुजारी जी। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे और पुजारी जी लोगों से बात करेंगे और फिर आपको सारे दुर्गा देवी से जो भी संबंधित जानकारियां और दुर्गा देवी यात्रा की वीडियो आपको दिखाएंगे। जय माता दी। और अब आपको हम दर्शन करा रहे हैं माँ दुर्गा की, जो कि 12 फुट की लंबी गुफा है और उस गुफा में आपको झुक के दर्शन करने पड़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे गुफा बिल्कुल झुक के जाना पड़ता है, और गुफा मेन चमत्कारिक जो है, अभी मैं आपको यहाँ के जो मुखिया पुजारी जी हैं उनसे बात करूँगा और यहाँ के चमत्कारों के बारे में आपको अवगत कराऊँगा। और आप देख रहे होंगे मेरे सामने बाहर आचार्य जी बैठे हुए हैं और सामने 12 फुट की लंबी गुफा, और यहाँ पे एक धुना भी जलता रहता है जो कि आप देख रहे होंगे, जिसमें धुआं उठ रहा है, ये यहाँ पे हमेशा प्रज्वलित रहता है। और यहाँ की कहते हैं कि राख को ले जाने से कभी कोई, जैसे कोई सपना है, कुछ है, इस तरीके से कुछ बात है, तो उसको लगाने से नहीं आते हैं कोई भी, मतलब आपको जैसे कोई रात को सपने आते हैं या कोई भी आपसे कोई परेशानी है, कुछ है, तो माँ दुर्गा के इस बबूत को लगाने से आपकी सारी परेशानियाँ, आपके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जय माता दी। पंडित जी सादर प्रणाम। हाँ जी, चरण जी। पंडित जी, आपका कुछ नाम है? मेरा नाम हर्षमणि थपलियाल। अच्छा, हर्षमणि थपलियाल है। अच्छा, तो पंडित जी, यक जो दुर्गा देवी की बहुत बड़ी मान्यता है, हम लोग भी दर्शन करना हाँ लोहा बार बार, तो यक बारे में कुछ जो चमत्कार थी आप बताओ दी हम थे, और हमारा यूट्यूब हम जो और देखा थी लोग तभी पता लगा कि क्या चमत्कार हुआ चाहिए दुर्गा माँ तक। अभी आप मूड़ी गए बोला, मूड़ी गए बोला, आप गुफा देख बोला, अपन अपन गुफा देख बोल मुड़ी ने जी। गुफा में एक तरफ शिवलिंग छ, एक तरफ माते पिंडी छ। अच्छा, तो जब बोल रहे अंग्रेज टाइम पर सड़क छे बनी, तो सड़क नहीं बन रही छे बोले अपने। अच्छा, तो सड़क बढ़ देनी छे तो ठेकेदार छो वो खान छो मुसलमान। अच्छा, तो वे कई कई बार सपना आए हुए थे कि मेरा मंदिर बनाओ तब सड़क बनेगी, तो वे न वे बात हो अमल नहीं कर हुए, तो अमल नहीं कर हुए तो फिर वो मामला 5-6 महीने साल भर जो भी चलन रहे वही। अच्छा, रोड बननी रहे, टूट जानी रहे। हाँ भाई, बननी रहे, टूटनी रहे। इतने में फिर कोई मजदूर, हिंदू मजदूर। अच्छा, तो फिर वे कभी सपना में आए कि मेरा मंदिर बनाओ तब ये सड़क बने जी जी। तो फिर वे ना ठेकेदार में बताए, साहब मेरे को कई कई बार सपने आ रहे हैं, तो फिर ठेकेदार थे वो बात मानन पड़े वाला। अब यखम जो बड़ो मंदिर थे, यखम
तौला छोटो मंदिर बनाए हुए ना और मुड़ी जो भी दिया बत्ती करी वाली वो करी हुए तो तब जाते हैं ये सड़क बन हाँ वो दुल्हन वाली घटना तो पहले पहाड़ में बारात पैदल जान छे बोला अच्छा जब बारात पैदल जान छे तो ये था पहले बोला जोगी झोपड़ा बोल अच्छा अच्छा ये था जब जोगी झोपड़ा जब माची से भी व्यवस्था नहीं छे बोला तब भी लोग बाबा लोग रहन छे बोले अब तो वो लोग रात बोलो ये खिमो न होल्ड कर अच्छा। छो एक भी बार होल्ड कर दिन दूर दूर गाड़ी व्यवस्था छे नहीं छे तो जो दुल्हन छे बोलो वे न बोलो दुर्गा छो बोल तो जब रात में वो निकमो होल्ड करी तो सुबेर जब वो दुल्हन हो कुछ पता नहीं लग पाल डोली में बैठी हाँ हाँ तो वे टाइम भी तब वे नौ से भी वो बोल दुर्गा मंदिर जो बोल कुछ न कुछ जो बीच है छो मतलब हाँ जी हाँ 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 नवरात्र में भीड़ बहुत दूर दूर बैठे उन लोग हाँ 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 अब यख में इतना भयंकर चट्टान जी हो अभी 18-19 साल में तक हुई गई यख में कोई बात नहीं होनी कोई पत्थर गिर गया छोटे मोटे गिर गया अभी कोटद्वार में पिछले साल इतना आपदा हुआ यख में भी यख में आए बगल में आए वो बगल में आए पर ये मंदिर आस पास कोई यन बात नहीं होनी मैं यहीं कोटद्वार का रहने वाला हूं अच्छा। और मैं कोटद्वार से आ रखा हूं दुर्गा देवी मंदिर जो है ये मैं बचपन से ही आता हूं यहां अच्छा। बचपन से क्योंकि मेरे तो घर ही नज़दीक है तो मैं बचपन से यहीं आता हूं कई बार आ चुका हूं अच्छा। और ये माता का मंदिर है बहुत मतलब आस्था है यहां से लोगों की इसलिए यहां कई बार आना जाना जब भी मैं यहां मतलब घर के नज़दीक होता हूं तो मंदिर में जरूर आता हूं आपके ऊपर दुर्गा माता का आशीर्वाद बना रहे हमारी शुभकामनाएं जय माता दी जय माता दी आप सभी के ऊपर भी आप लोग कहाँ से आ रहे हो हम तो कोटद्वार से आए सर अच्छा अच्छा दुर्गा देवी मंदिर कैसा लगता है आपको बहुत प्रसिद्ध मंदिर है काफ़ी सालों से यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से आते हैं इधर से यहाँ पे उत्तराखंड में तो बहुत सारे मंदिर हैं दुर्गा देवी उनमें से एक है जो प्रसिद्ध है आप आते रहते हैं यहाँ पे हाँ आते रहते हैं हम दोस्त आते हैं बाहर से आते हैं तो हम भी घूमने आते रहते हैं यहाँ पे हाँ मम्मी जी हैं मैडम जी नमस्कार नमस्कार आप लोग कहाँ से आए हुए हैं हम देहरादून से आए देहरादून से आए अच्छा आपका नाम रीना रीना नेगी रीना अच्छा तो आप पहली बार आए हैं हाँ पहली बार आए दुर्गा देवी कैसा लगा आपको बहुत अच्छा लगा दुर्गा देवी के बारे में कुछ कहेंगे आपकी मतलब कुछ आपने आगे चमत्कार सुने होंगे हाँ रक्षा देवी है यहाँ सिद्ध मनोकामना सिद्ध होती है सब चीज़ की इसलिए हम लोग सिद्धबली से सीधा यहीं आए कि दोनों चीज़ों के एक साथ दर्शन हो जाएंगे ये रक्षा देवी है यहाँ कोटद्वार की दोनों ने मिलके कोटद्वार को संभाल के रखा है एकजुट बना के रखा है जी जी। तो इसलिए सोचा दोनों साथ एक साथ कर लें तो सुबह कब चले आप सुबह 7 बजे मतलब स्पेशली आपको दुर्गा देवी आने का प्रोग्राम हाँ सिद्धबली और ठीक आप भी बोलेंगे कुछ माता बस हो गया बेटे बहू ने बोल दिया ठीक है